दुनिया में घूम लिए। तो राजा अशुपति ने अपनी बेटी को आदेश दिया कि सौमित्री, मैंने तो सारा संसार घूम लिया, मुझे तेरे लायक कोई लड़का नहीं मिला, अब तू खुद चली जा और अपने लायक वर ढूंढ के खुद आ जा। तो साथियों, सामत्री अपनी सखी सहेलियों को साथ में लेकर के एक रथ सजवा लिया और घूमते फिरते जंगल बियाबान में पहुंच गई। जैसे ही जंगल बियाबान में पहुंची तो वो सत्यवान लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते हुए सत्यवान पर सामत्री की नजर पहुंच जाती है। किस तरह से दोनों के सवाल जवाब हुए हैं, आइए बाकी हवाला सुनेंगे रागनी के माध्यम से। मैडम दीपा चौधरी हरिद्वार मेरा साथ निभाएंगे। क्या बात है, कौन है तुम, कहां से आई है, क्या परेशानी है? जंगल बियाबान में आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की मैंने नहीं देखी। आज देखी है ना? आज तो देखी है। मैं तुम्हें बुला रही हूँ। देखिए, मैं पेड़ पे चढ़ा हुआ हूँ, इतना समय मेरे पास नहीं है, मैं लकड़ी काट के अपना गुजारा करता हूँ। जो भी आपको बातें करनी है वो आप यहीं से कर सकती हैं। आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ, एक बार पेड़ से नीचे आ जाइए। पेड़ से नीचे होंगी बात? हाँ। पेड़ से ऊपर से बात नहीं करोगी? नहीं। अभी रुक जा थोड़ी देर, मैं कुल्हाड़ी धर दूँ। मेरी बात सुन। बताओ। कुछ कहना चाहती हूँ मैं आपसे। कुछ कहना चाह रही हूँ? हाँ। कहिए, जल्दी जल्दी कह लो। सुनिए मेरी बात। कह लो। बहन बेटी तो चल किसी की भी है तू। हाँ। लेकिन गाती बहुत सुथरी है। अच्छा। हाँ। मैं बजाती भी सुथरी हूँ। बजाना भी आवे? हाँ। बजा। सुने मेरी बात। क्या दे? मर्द की आन कान होली मन्ने, दिख साथी बिना मलंग हांडर की पूर्वार होली मन्ने, साथी बिना मलंग हांडर की पूर्वार होली मन्ने। तेरा तू कर होगा भला बता दे, मतलब के कठने आड़े, तू खोवे सदैव
कहने आई बता दिए घर राम तेरा तेरे मगध देश में रहा करूं सू सावित्री से राम मेरा इस व्यापान में हंडन का पता सावित्री के काम तेरा मन जोड़ी कवर मिलिया नहीं लो छुट गया ऐसा राम I'm gonna make it.
जगत में धन्यवाद आप सभी का।